तारे भेजे मेरे दिल को चुरा ले। वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सॉन्ग कैसे बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब आप AI इस्तेमाल करके सॉन्ग जनरेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज का, हिंदी उर्दू सब भी लैंग्वेज का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आपको भी AI से सॉन्ग बनाना सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो AI का यूज करके सॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर जो कि हर एक मोबाइल में होता है, आपके मोबाइल में भी जरूर से होगा। तो इसे आप ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट सर्च करना है सुनो, SUNO आपको सर्च कर देना है। स्टार्टिंग में ही सुनो AI का एक वेबसाइट आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और इसमें आपको एंटर हो जाना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो डेस्कटॉप साइट है ना, इसे इनेबल कर देना है। मेरा ऑलरेडी इनेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे जस्ट यहाँ से इनेबल कर देना, क्योंकि ये डेस्कटॉप साइट में इस वेबसाइट को आप यूज कर पाओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई द बीटा का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना तो आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे और यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको लॉग इन करना होगा, मतलब एक अकाउंट बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, तो आप कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करना क्योंकि ये ज़्यादा ईजियर है। तो इसके ऊपर क्लिक करके कोई सा भी एक ईमेल आईडी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, लाइक मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे बन जाएगा, आप देख सकते हो। ऑटोमेटिकली आप इसमें लॉगिन हो जाओगे, मतलब लॉगिन करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, इन ऑप्शन का यूज़ करके आप वो सॉन्ग बना सकते हो। आपके पास लिरिक्स है तो आप उस लिरिक्स से भी बना सकते हो। अगर आपके पास गाना का कोई लिरिक्स नहीं है तो बिना लिरिक्स का भी बन जाएगा, जस्ट आप यहाँ पे लिख दो कि इस तरह का एक सॉन्ग बना दो, ये बना के दे देगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सॉन्ग बनाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में एक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्क्राइब करना है किस टाइप का आप वो सॉन्ग चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, क्योंकि हमें तो हिंदी ही समझ आता है तो हम तो हिंदी सॉन्ग ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर चाहते हो, लाइक चांद सितारे कुछ इस तरीके का, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चांद लिख देता हूँ एंड उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और ये ऑटोमेटिकली लिरिक्स लिखेगा। उसके बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब जो टोन होता है वो ऐड करेगा, फिर वोकल ऐड करेगा और कंप्लीट आपका यहाँ पे जो म्यूजिक होगा उसे कंपोज करके ये दे देगा। और वो भी एक नहीं, दो वर्जन में आपको देगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इसने लिरिक्स लिख के कंप्लीट कर लिया है, अब उसी का यहाँ पे ये सॉन्ग बना रहे। और हाँ, ये कोई भी सॉन्ग हो 2 मिनट के अंदर अंदर ही जनरेट कर लेता है, मतलब काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप यहां देख सकते हो दो टाइप का जस्ट यहां पे हमें सॉन्ग बना के मिल चुका है, ठीक है। इन दोनों को आप यहां से प्ले कर सकते हो, अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो सारा चीज। लाइक मैं आपको प्ले करके एक को सुनाता हूं। चांद पे तू तारे भेजे। ओके, फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके का है और यहां पे सेकंड वाला वर्जन कुछ इस तरीके का है, मैं इसे भी प्ले करके आपको सुनाता हूं। चांद पे तू तारे भेजे, ठीक है। तो दोनों में से जो सॉन्ग आपको अच्छा लगेगा, पसंद आ जाएगा, उसे आप अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हो हार्ट के बगल में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड उसके बाद डाउनलोड ऑडियो का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। ये जो ऑडियो होगा, ये जो सॉन्ग होगा, वो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। अगर नीचे वाला आपको करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना, डाउनलोड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना, ये वाला सॉन्ग जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से सिर्फ आप यहाँ पे टॉपिक दे दो इसे और ये ऑटोमेटिकली लिरिक्स वगैरह सारा चीज लिख के एक कंप्लीट सॉन्ग बना के दे देगा। लेकिन अगर आपके पास लिरिक्स है, आपने कुछ गाना का लिरिक्स लिख के रखा हुआ है, तो उस लिरिक्स का यूज करके भी आप उस सॉन्ग को बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे क्रिएट के नीचे क्रिएट कस्टम का एक ऑप्शन मिल रहा होगा,
इसके ऊपर आप क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो लिरिक्स का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, मीन्स बॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करना। देन जो भी सॉन्ग आपने खुद से लिखा है उस सॉन्ग को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पे एक लिरिक्स को पेस्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि मैंने खुद से नहीं लिखा है, मैं एक सिंगर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, आप भी लिखवा सकते हो। कैसे लिखवाना है सॉन्ग का लिरिक्स वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। आप यहाँ पर क्रिएट में तो ये ऑटोमेटिकली लिरिक्स लिख देता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा चैट जीपीटी से कैसे आप सॉन्ग का लिरिक्स जनरेट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे लिरिक्स डाल दो उसके बाद जनरेट का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आप यहाँ वेट करोगे देन आपका जो सॉन्ग होगा वो जस्ट यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो सॉन्ग हमारा बन के आ चुका है, मैं इसे भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एंड हाँ, जब भी आप सॉन्ग बनाओगे ना तो इसमें आपको दो वर्जन हमेशा मिलेगा, तो जो आपको पसंद आता है आप उसे रख सकते हो, ठीक है। मैं एक प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ये वाला कुछ इस तरीके का है, सेकंड वाला कुछ ऐसा है। ओके, अब जो आपको अपने डिवाइस में सेव करना होगा उसे आप सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया था। इसके ऊपर क्लिक करना होता है, फिर डाउनलोड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना होता है, सेव हो जाएगा। नीचे वाला सेव करना है तो जस्ट इसके ऊपर फिर से क्लिक करना, डाउनलोड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना, सेव हो जाएगा। तो मतलब इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है AI की मदद से सॉन्ग को बनाना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्लान, ये सब का एक फ्री प्लान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक $8 पर मंथ दिख रहा होगा, और भी यहाँ पे आपको प्लान मिलते हैं, ठीक है। तो फ्री प्लान वाले में दिक्कत क्या है ना कि आप जो सॉन्ग बनाओगे उसे आप YouTube वगैरह में अपलोड नहीं कर सकते, क्लेम आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इसने लिख के रखा हुआ है नॉन कॉमर्शियली यूज, मतलब YouTube वगैरह पर डाल के आप इससे पैसे नहीं कमा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे सॉन्ग बना रहे हो और अच्छा सॉन्ग बन जा रहा है तो आप उसे YouTube पे डाल के पैसा वगैरह कमा सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई प्लान को ले लेते हो, ठीक है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस वेबसाइट का यूज करके सॉन्ग बना लूं एंड उसे यूट्यूब पे अपलोड करके पैसे वगैरह कमाऊं, तो आप इनमें से कोई प्लान को खरीद लेना, ठीक है। फ्री जो हम म्यूजिक बना रहे हैं वो फ्री वाला म्यूजिक हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कैसे आप सॉन्ग को क्रिएट कर सकते हो। आपके पास लिरिक्स है उस समय कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपके पास लिरिक्स नहीं है उस समय कैसे क्रिएट कर सकते हो, मतलब ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड मैंने एक चीज़ और आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से जस्ट सॉन्ग का लिरिक्स लिखा सकते हो। तो उसके लिए आप अपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना, लाइक मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की वेबसाइट में डायरेक्ट एंटर हो जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट आप लिख दो इसमें कि राइट अ सॉन्ग अबाउट दिस दिस दिस, ठीक है, मतलब जो भी आप टॉपिक रखना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर गर्लफ्रेंड, एंड इसके बाद पेस्ट कर दें या फिर यू बोल लो कि यहाँ पे भेज दिया, तो जस्ट आप देख सकते हो आ चुका। बट यार ये तो इंग्लिश में दे दे रहा है, तो इसे हम ये भी लिख देते हैं कि इन हिंदी, लाइक यहाँ लिख देते हैं इन हिंदी, तो ये खुद से समझ जाएगा और हिंदी में फिर ये सॉन्ग को देना शुरू कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हो, अब इसे सॉन्ग को कॉपी करके आप यूज़ कर लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।